लिमिट के बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अभी तक हमने इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट देखा। इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट में हमने 7 फॉर्म्स, उनको इवैल्यूएट करना बारी बारी से, हर एक फॉर्म का एक लेक्चर हमने लिया, उसको आप देख सकते हैं। इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट में हम लोग मान चलते हैं कि लिमिट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, केवल उसकी वैल्यू इवैल्यूएट करनी है। तो उसके पर्टिकुलर मेथड थे वहाँ पर डिस्कस किए, जो ट्रिक्स थी वो डिस्कस की गई। अब हम लोग एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट क्या होती है, इसका क्या मतलब है, क्यों ऐसा लगाते हैं, और यहाँ पर बेसिकली कोर फंक्शंस का इन्वॉल्वमेंट होता है। रियल कैलकुलस यहीं से शुरुआत होती है, फंक्शंस के बारे में आप यहीं से सीखेंगे। एक जैसे क्वेश्चंस लिया गया, तो ये देखो यहाँ पे मॉडुलस फंक्शंस को इन्वॉल्व किया गया। अब यहाँ पर आप फंक्शंस पर ध्यान देने होंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, एग्जिस्ट कर रही है लिमिट या नहीं कर रही है, ठीक है, ये चीज़ हम लोग देखते हैं। तो सपोज हमने अभी बताया ही था कि लिमिट x टेंड्स टू ज़ीरो, तो जब भी लिमिट लगी है, जैसे लगा है कि x टेंड्स टू टू, तो इसका मतलब है x दो नहीं है। स्ट्रिक्टली आई एम सेइंग कि लिमिट का लगना है, इसका मतलब वो वैल्यू नहीं है, अभी वो टेंड कर रही है। अब हम x बराबर दो कोई पॉइंट ले लेते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि 1.9 से वैल्यू बढ़कर 2 हो जाए, या 2.1 से घटकर क्या हो जाए, 2 हो जाए, ठीक है। जैसे एक स्टेटमेंट है, सिंपल बोला कि मेरे पास 100 रुपये होने वाले हैं, तो अब ये आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि 50 से 100 होने वाले कि 150 से 100 होने वाले, ठीक है। तो अगर 100 होना हम यहाँ पे ये प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे कि कम हुए हैं कि ज़्यादा हुए, तो ऐसे ही 2.1 से 2 होना, इस पॉइंट के हम राइट से आ रहे हैं, तो इस अप्रोच को बोलेंगे RHL, और यहाँ पर हम लोग लेफ्ट से आ रहे हैं, इसको बोलेंगे LHL, ओके। तो अब अगर लिमिट लगी हुई टेंडिंग टू 2, इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि दो x जो है छोटा था बड़ा हो रहा है, हो सकता कि बड़ा हो छोटा हो रहा हो, 2.2 से लेके 2 हो रहा हो, और 1.8 से लेके 2 हो रहा हो। तो अब यहाँ पर अगर जाना है तो आप इधर से भी आ सकते हैं और इधर से आ सकते हैं। तो यहाँ पर अगर ऐसा लगा तो हमारे पास दो वे हैं, एक हमारे पास है LHL, एक है RHL, हो सकता है कि ज़ीरो लेफ्ट साइड से हो या राइट साइड से। अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि 2 कोई पॉइंट 2 है, तो अब हम यहाँ इसके इधर 2 प्लस एच करेंगे, एक ऐसा पॉइंट लिया जो इसके राइट में है, पर ध्यान रहे कि 2 प्लस एच है, एच की वैल्यू अगर आपने -1 ले ली तो यहाँ पर 2 -1 ये 1 हो जाएगा, तो ये यहाँ ना होके इधर हो जाएगा, तो एच को क्या होना पड़ेगा, एच मस्ट बी पॉजिटिव। और दूसरी बात, जब भी हम लिमिट लगाते हैं तो नियर अबाउट नेबरहुड में लगाते हैं, वेरी स्मॉल भी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वेरी स्मॉल। तो जब हमने पॉजिटिव ले लिया, सपोज 2 प्लस 1 लिया तो 3, तो वो राइट में क्रिएट हो गया। अब जैसे जैसे हम h को ज़ीरो करते जाएंगे, वैसे वैसे ये पॉइंट इधर खिसकता रहेगा। ऐसे सिमिलर अप्रोच 2 माइनस h लेंगे, ये पॉइंट तभी इधर खिसकेगा जब h को क्या करेंगे, ज़ीरो करेंगे। तो यहाँ पे दो अप्रोच आई, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन में हम 0 से छोटे पर अभी हैं, 0 से कम, तो 0 में कुछ घटा देंगे तो 0 माइनस एच हुआ। यहाँ पर हम लोग एच टेंस टू 0, 0 प्लस एच मतलब 0 के राइट में है, तो 0 से प्लस समथिंग, तो हम एक्स में क्या डालने वाले हैं, प्लस एच, यहाँ क्या डालने वाले हैं, माइनस एच, ओके। अगर सपोज एग्जांपल में अगर हम यही बात लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 एफ एक्स के लिए करते हैं, तो हमारे पास दो अप्रोच आती, दो होना मतलब लेफ्ट से भी हो सकता है और राइट से हो सकता है, तो हम लोग क्या करेंगे, एच एक ले लिया, बताया गया कि एच पॉजिटिव है और स्मॉल है। अब हम दो के लेफ्ट में, तो दो के लेफ्ट में दो से वैल्यू छोटी होगी, तो दो से वैल्यू छोटी होगी तो 2 माइनस एच, और राइट में क्या होगा, दो से कुछ बड़ा तो प्लस एच, और वो कौन सा पॉजिटिव। तो लेफ्ट और राइट लिमिट लगाना सीख गए हम लोग इस क्वेश्चन में लगाते हैं। तो लिमिट एस टेंड्स टू 0 फंक्शन में एक्स की जगह क्या रखने वाले हैं,
माइनस एच, यहाँ पर भी फंक्शन में एच की जगह एच रखने वाले हैं। अब देखें, यहाँ ध्यान दें, एक स्टेटमेंट को ध्यान दें, बेसिकली यहाँ समझाने वाले हैं हम लोग कि अगर मॉड एक्स की बात करें और मॉड एच की बात करें, तो मॉड एच की बात करेंगे तो यहाँ पर एच आएगा, जैसे कि टू मॉड टू की बात करेंगे तो टू आएगा, जब मॉड एक्स की बात करेंगे तो एक्स भी आ सकता है और माइनस एक्स आ सकता है। ये एक्स पे डिपेंड करे, अगर एक्स पॉजिटिव है तो एक्स निकल के आएगा, एक्स निगेटिव है तो माइनस एक्स निकल गया। मगर एच नोन है, एच कैसा है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पर मॉड एच एच आएगा। ठीक है, ये दो बातें आपको ध्यान देने वाली बात है। तो यहाँ पर एच का मॉड क्या हो जाएगा, एच एच अपॉन एच दैट इज वन, तो राइट एंड लिमिट आई वन। यहाँ पर माइनस एच का मॉड भी, माइनस एच का मॉड पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस एच एच बन जाएगा और माइनस एच नीचे है तो माइनस बनाया, तो राइट एंड लिमिट वन आई, लेफ्ट एंड लिमिट माइनस वन आई, दोनों फाइनाइट थी बट ये दोनों अलग अलग थी। एल एच एल नॉट इक्वल्स टू आर एच एल, जब भी एल एच एल आर एच एल के बराबर नहीं होगा, मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, बात समझे कि नहीं। यहाँ पे एल एच एल और आर एच एल की वैल्यू आई बट दोनों बराबर नहीं है, इसलिए एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट में एक हमने और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है, पहले हम लोग वहाँ के जो क्वेश्चन हमने लिया है उसमें जो फंक्शन यूज़ किया गया है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, जो ऑलरेडी समझ के रखे हुए हैं तो उनके लिए अच्छी ये बात है, और जो नहीं समझे तो थोड़ा सा ऐसा समझाएंगे कि आप समझ पाए। यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्चुअली करता क्या है, टू का इंटीजर पार्ट टू होगा, थ्री का इंटीजर पार्ट थ्री होगा, माइनस वन का इंटीजर पार्ट माइनस वन होगा, ज़ीरो का इंटीजर पार्ट ज़ीरो होगा, और इंटीजर वैल्यू कोई भी हो वो इंटीजर ही निकाल देगा। अब यहाँ पे देखें, 2.1 का इंटीजर पार्ट 2 होगा, 3.9 का इंटीजर पार्ट 3 होगा और 4.09 का इंटीजर पार्ट 4 होगा। तो ये बात समझने लायक है कि अगर 2.1 है तो यहाँ पर देखिए 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है रियल लाइन पे, और ये 0 है। 2.1 की बात करें तो 2.1 कहीं यहाँ होगा, 2 से थोड़ा सा बड़ा, जब उसमें अभी देखें कि 2 प्लस 0.1 हुआ तो इंटीजर क्या हुआ, 2 इसमें है, 0.1 इसका फ्रैक्शन है, ये इसका इंटीजर है पार्ट और ये क्या है, फ्रैक्शन है, मतलब 0.1 फ्रैक्शन बड़ा। 3.9 में 3 प्लस 0.19 है, मतलब हमेशा 3 और 4 के बीच में 3.9 होगा तो वो हमेशा क्या करेगा, लेफ्ट वाले पर शिफ्ट होगा, जिससे बढ़ के भी आगे बढ़ रहा है, राइट वाले पे शिफ्ट नहीं होगा, किस पे शिफ्ट होगा, हमेशा लेफ्ट वाले। तो 3.9 का लेफ्ट क्या है, 3, तो 3 से थोड़ा आगे बढ़ा है, और 2.1 का लेफ्ट क्या है, 2 से थोड़ा आगे बढ़ा है, और 4.09 का 4 और 5 होने वाला है बट अभी 5 नहीं हुआ, तो अभी 4 प्लस समथिंग हुआ था। ठीक है, कन्फ्यूज तब होता है, होते हैं जब 2.1 का निगेटिव पार्ट का देखते हैं तो हमें माइनस 2 लगता है, हमें लगता है माइनस 2 बट आ क्या रहा है, माइनस 3। तो क्यों हो रहा है भाई, ये माइनस 3 है, ये माइनस 2 है, और माइनस 2.1 में माइनस 3 प्लस 0.9, माइनस 3 प्लस 0.9 मतलब इंटीजर पार्ट जो ये है, बात समझने वाली है, और ये इसका फ्रैक्शन है, तभी ये माइनस 2.1 यहाँ पर होगा, मतलब जस्ट करीब होगा माइनस 2 के, माइनस 3 के नहीं, मतलब 0.9 फ्रैक्शन बढ़ गया तब यहाँ पे आया, 0.1 फ्रैक्शन और बढ़ाते तो माइनस 2 बन जाता। तो अब ये जाके लेफ्ट और शिफ्ट होगा तो किस पे, बात समझे मेरी, जो भी बताई जा रही है, जैसे माइनस 4.09 है तो ये माइनस 5 होगा, क्योंकि माइनस 5 से जुड़ के माइनस 4 बन रहा है, माइनस 4 बड़ा है, माइनस 5 छोटा है, मगर पॉजिटिव में 5 बड़ा होता है, 4 छोटा होता है, पलट जाते हैं। तो इस बात को समझें, इस एग्जाम्पल से समझें, ठीक है, तो इस बात को समझ के हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमने बोला कि यहाँ पे दो अप्रोच हैं, 3 होने का मतलब है 3 नहीं हुआ है, लिमिट 3 पे लगी हुई है इसका मतलब वैल्यू 3 नहीं हुई है, या तो 3 से छोटी है या 3 से बड़ी है, 3 से छोटी है तो एल एच एल पे जाएंगे और 3 से बड़ी है तो आर एच एल पे। लिमिट एक एच ऐसा लिया जो पॉजिटिव है, ठीक है, हमें 3 से छोटा
तो मतलब थ्री से छोटा, थ्री से थोड़ा कम, तो कुछ कम कर दिया हमने, लेफ्ट में आ गए। और थ्री से थोड़ा बड़ा, तो मतलब थ्री में मैंने बोला कि सौ से कुछ ज़्यादा है तो सौ प्लस समथिंग होगा, सौ से कम है सौ माइनस समथिंग होगा। बेस सौ को ले रहे हैं, हंड्रेड को ले रहे हैं, तो थ्री माइनस समथिंग लेफ्ट में आए, थ्री प्लस समथिंग राइट में आए। हम लोग क्या करें, इस वैल्यू को फंक्शन में एक्स की जगह रखने वाले हैं। तो लिमिट एज टेंस टू जीरो, यहाँ पर इंटीजर पार्ट ऑफ थ्री माइनस एच, यहाँ लिमिट एज टेंस टू जीरो इंटीजर पार्ट थ्री प्लस एच। अब एक बात समझें कि जब भी हमने पहले ही क्लियर किया है, अगर नहीं क्लियर हुआ है तो आप क्लियर करिए पीछे जाके, कि जब भी हमने बोला कि हम कानपुर आ रहे हैं, हम दिल्ली जा रहे हैं, हम इंडिया आ रहे हैं, इसका मतलब इंडिया आए नहीं है। लिमिट अगर जीरो होने वाली है तो अभी जीरो नहीं हुई, जीरो नहीं हुआ यानी कुछ ना कुछ अभी है। अगर आप इसको जीरो कर दोगे तो इसका इंटीजर पार्ट तीन निकाल देंगे, इसको भी जीरो कर देंगे तो इंटीजर पार्ट क्या थ्री निकाल देंगे जीरो रखने पर। तो अभी लिमिट नहीं अप्लाई हुई होगी, अभी जीरो हुआ ही नहीं है। तो जीरो से कुछ, तीन से कुछ कम, तो तीन से कम का मतलब 2.9, तीन से कम का मतलब 2.8, तीन से कम का मतलब 2.99, इन सब की वैल्यू क्या होने वाली है 2। तो यहाँ पे आंसर, मैंने बोला h जीरो नहीं है तो आंसर 2 आ जाएगा। या 3 से कुछ ज़्यादा 3.1, 3.2, 3.11, इन सब का आंसर क्या होने वाला है 3, कुछ जुड़ा है। तो यहाँ लिमिट h टेंस टू जीरो 3 आया। अब 3 पे लिमिट लगाने पर क्या फ़ायदा है, कॉन्स्टेंट वैल्यू 3। तो यहाँ अगर देखा LHL RHL बराबर नहीं है, LHL हमारी 2 आई और RHL 3 आई, यानी दोनों बराबर नहीं है, फाइनेट वैल्यू भी बराबर नहीं है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। जैसे पिछले बार देखा था LHL RHL बराबर नहीं होते तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आगे हम लोग ले रहे हैं, थोड़ा सा और क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। ग्रेटेस्ट इंटीजर मॉडुलस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स सिग्नम फंक्शंस, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, इन पर बेहद आप कमांड करें, क्योंकि ये प्रचलन में आ रहे हैं, धीमे धीमे बढ़ रहे हैं। तो वही सिंपल सी बात है, हम लोग लेफ्ट और राइट में जाते हैं, LHL के लिए जा रहे हैं, जैसा बताया कि RHL के लिए जा रहे हैं, मतलब जिस पॉइंट पर लिमिट लगी है उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसके थोड़ा कम पे जाएंगे, और जिस पॉइंट के लिए लिमिट लगी है थोड़ा सा हम लोग क्या उसको बढ़ा देंगे। अब इस बात को समझने वाली बात है, लिमिट एज टेंस टू जीरो, हमने जहाँ पर ही फंक्शन में एक्स था तो इनपुट में हमने रूट थ्री माइनस एच का होल स्क्वायर डाल दिया, उसने बोला कि एक्स स्क्वायर का ग्रेटेस्ट, तो यहाँ पर जो भी एक्स है उसका स्क्वायर का ग्रेटेस्ट, ठीक है। उसने बोला कि ये फंक्शन क्या करेगा, जो भी आप डालोगे उसकी वैल्यू को स्क्वायर करेगा, फिर उसका इंटीजर पार्ट निकालेगा, तो रूट थ्री माइनस एच का स्क्वायर किया, फिर उसका इंटीजर पार्ट निकालेगा, फिर आपको लिमिट लगानी है। लिमिट पहले नहीं लग रही है, पहले फंक्शन इवैल्यूएट होगा, बात समझे कि नहीं, देन आफ्टर, ठीक। यहाँ पर भी लिमिट एच टेंस टू जीरो, आप फंक्शन के अंदर आपने रूट थ्री प्लस एच का होल स्क्वायर किया और देन आपने लिमिट लगाई। तो एक बात यह समझने वाली है कि अगर हम यह सिंपल करेंगे, रूट थ्री का स्क्वायर, रूट थ्री का स्क्वायर का इंटीजर निकालें, तो रूट थ्री का स्क्वायर थ्री हो जाएगा और उसका इंटीजर थ्री आएगा। जब हमने रूट थ्री किया तब ये थ्री आया। अब हमें क्या करें कि रूट थ्री में थोड़ा सा एच जोड़ के स्क्वायर करेंगे, तो जब थ्री हमारा रूट थ्री के स्क्वायर करने पे अचीव किया तो रूट थ्री में थोड़ा जोड़ा, बहुत ही माइनूटली, मैंने बोला एच इज़ वेरी स्मॉल, एच इज नियर अबाउट इज ज़ीरो है, बट ज़ीरो होने वाला है, बात समझे कि नहीं, कोई चीज़ बिल्कुल लगभग वो ज़ीरो होने वाली है। तो उसमें कुछ जोड़ेंगे तो वो थ्री से थोड़ा बड़ा होगा, और थ्री से थोड़ा बड़ा 3.01 या 3.1 या 3.001, अब जान ही गए कि इनका सबका मान क्या आने वाला है 3, तो इसका आंसर तो क्या आ जाएगा 3। तो ये वाली लिमिट पे लिमिट एज टेंस टू जीरो, इसको इवैल्यूएट पहले कर लिया, 3 आया। अब लिमिट लगाएंगे कॉन्स्टेंट वैल्यू पे, हमेशा क्या रहेगा 3। अब हमने बोला कि 3 माइनस रूट 3 माइनस एच का होल स्क्वायर, रूट थ्री का स्क्वायर किया तब थ्री मिला, रूट थ्री में थोड़ा सा घटा दिया तो अब उसका स्क्वायर करने पर थ्री नहीं होगा, उससे थोड़ा कम रहेगा, थोड़ा ही कम रहा, जैसे 2.99 भी रहा, अब उसका इंटीजर क्या कर देगा 2, तो यहाँ पे क्या आ गया 2 आ जाएगा। तो इसका इवैल्यूएशन क्या आ जाएगा 2 आ गया, आंसर क्या मिला 2। तो LHL RHL बराबर मिली नहीं, लिमिट एग्जिस्ट की नहीं की, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट सीख लिया हमने,
एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सीखा, इजीली सीखा, आगे बढ़ेंगे हम लोग। हम लोग यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहे हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फंक्शन यहाँ डिफाइन कर दिया गया इस तरीके से, आपको लिमिट चेक करनी है। तो हमने यहाँ पर जो स्टेटमेंट है यहाँ तक लिख लिया, इसलिए लिख लिया कि अभी हम लोग बता चुके हैं LHL कैसे लेते हैं, तो आप समझिएगा कि जीरो से कम मतलब LHL और जीरो से ज़्यादा कुछ जोड़ा गया तो RHL। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं फंक्शन कैसे ऑपरेट हो रहा है। सपोज हमने क्या किया, एफ ऑफ टू डाला, ठीक है। सपोज हमने क्या किया, 0.5 डाला। सपोज हमने क्या किया, 1.5 डाला। देखते हैं क्या होता है, कैसे ये फंक्शन वर्क कर रहा है। तो जब भी आप x में 2 डालेंगे तो फंक्शन का पॉइंटर पहले कंडीशन पे जाएगा। कहाँ पे जाएगा, इस कंडीशन पे या इस कंडीशन पे, ठीक है। फंक्शन इस तरीके से असाइन नहीं होगा, सबके दिमाग बनता है कि तुरंत यह असाइन हो जाएगा, पहले कंडीशन पे जाएगा। उसका कंडीशन क्या लगा हुआ, ग्रेटेस्ट इंटीजर चेक करिए। तो जैसे ही आप 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर चेक करेंगे, 2 आएगा, वो 0 के बराबर है या नहीं है, तो यानी कि नहीं है, तो इस वाले 0 बराबर है इसमें एंट्री करेगा कि इसमें, वो इस वाले में एंट्री कर जाएगा। यानी जो फंक्शन है वहाँ पर आप क्या करिए, जो भी असाइन किया गया x की जगह 2 डाल दिए। आपने यहाँ पर 0.5 का इंटीजर पार्ट की चेक किया, क्या आया, 0। तो फंक्शन यहाँ कहाँ से, यहाँ से एंट्री करेगा, क्या मिलेगा उसको, तुरंत आंसर क्या मिल जाएगा। बात समझने वाली है कि अगर ऐसा दिया गया तो ऐसा आया, ऐसा किया गया तो ऐसा आया। 1.5 में भी इंटीरियर पार्ट चेक करेंगे, 1.5 का इंटीरियर पार्ट 1 है, 0 के बराबर, आप समझ ही गए होंगे। तो 0 के बराबर नहीं, तो ये कंडीशन ट्रू हुई की है, तो तुरंत जाके यहाँ से और यहाँ से फंक्शन असाइन, आपने यहाँ से वैल्यू ले ली, यही इंपॉर्टेंट था। तो यहाँ पर हम देखिए माइनस एच का इंटीरियर पार्ट चेक करेंगे, एच बहुत छोटा है तो -0.5 लाइक -0.1 इस तरीके से। तो इनकी वैल्यू क्या आएगी, -1 यहाँ पे -1, ये 0 के बराबर नहीं है, तो कौन सी वाली कंडीशन से स्विच होगा, ये वाली कंडीशन स्विच होगा, तुरंत फंक्शन ये साइन होगा। यानी लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन ऑफ -h/-h। अब बात यहाँ समझने वाली है, थोड़ा सा हम इसको हम और एक्सप्लेन करेंगे, इसको आगे बढ़ाते हैं। लोग ये समझते हैं यहाँ पर कि जैसे ये बना लिमिट एच टेंड्स जो साइन ऑफ h/h तो ये 1 होता है, ये बात सही है। देखिए ऐसा है कि सबसे पहले लिमिट लगी है तो लिमिट लगाते हैं, अप्लाई करते हैं, बट फंक्शन है तो पहले फंक्शन को हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अभी लिमिट का रोल नहीं आया, साइन ऑफ -h का इंटीरियर पार्ट क्या होगा, -1, -h का इंटीरियर पार्ट क्या होगा, -1, साइन ऑफ -θ क्या होगा, -sin θ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आंसर, sin 1। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आई, sin 1। ध्यान देने वाली बात है, अब आपके सामने RHL देखो चेक कर रहे हैं, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ h। जब भी आप एफ ऑफ h मतलब h 0.5 का इंटीरियर पार्ट 0.1 का बहुत छोटा है तो सब ये 0 आने वाले हैं। जैसे 0 आने वाले, इंटीरियर पार्ट 0 हुआ तो आंसर क्या है, फंक्शन का आंसर क्या है, आंसर क्या आ गया, तो RHL क्या आ रही है यहाँ पर, 0। LHL क्या आ रही है, sin 1, ठीक है। बहुत अंतर है दोनों में, बार बार इसको एक्सप्लेन करने से अच्छा है कि एक बार आप सही समझें, नहीं अगर आता है तो आप वहाँ पर लिखिए, दोबारा हम ऐसा क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है। सबसे लास्ट में हमने एक ऐसा क्वेश्चन लिया है जिस तरीके से उसको हम बता चुके थे उसी तरीके से लगभग है, थोड़ा सा अप्रोच को चेंज करेंगे, थोड़ा सा अप्रोच को चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखें कि एक क्वेश्चन लिया है हमने, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 मॉड ऑफ x-2/x-2, मॉड x अपॉन x लिया था हमने, बोला कि दो अप्रोच हैं LHL RHL। देखो यहाँ पे लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 के ऊपर सफिक्स में माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब 2 के लेफ्ट में, और यहाँ प्लस लगा हुआ है तो 2 के यहाँ, 2 मे बी लेफ्ट मे बी राइट, तो इसलिए दोनों पॉसिबिलिटी नहीं आ रही, मगर ये एक ही पॉसिबिलिटी है, 2 के राइट से आ रहे हैं, यहाँ पे 2 के लेफ्ट से, तो ये LHL है ये RHL। अब देखो हमने मॉड एक्स का यहाँ पे डेफिनेशन दिया कि मॉड एक्स करता क्या है कि चीज़ों को पॉजिटिव बनाना, मैं जो ऑलरेडी पॉजिटिव हैं उन पर कुछ नहीं करेगा कि वो ऑलरेडी पॉजिटिव है, जो निगेटिव है उन निगेटिव के आगे क्या लगा दे, इस निगेटिव के आगे क्या लगा, माइनस, तो क्या हो गया पॉजिटिव। मॉड एक्स माइनस 2, आप अगर 2 डालोगे तो 0 मिलेगा, 2 से बड़ी वैल्यू डालोगे, जब भी एक्स 2 से बड़ा होगा जब 3-2 तो पॉजिटिव, तो 2 से बड़ा होगा तो कुछ भी नहीं करना है, 2 से छोटा है तो उसके आगे क्या लगाना, माइनस। अब देखिए यहां पर 2 के लेफ्ट में एक्स क्या है, 2 के, तो एक्स 2 से छोटा है, एक्स क्या है, 2 से छोटा है,
तो मॉड ऑफ एक्स दो से छोटे के लिए क्या है, माइनस टाइम्स है कि नहीं, बोलिए। तो लिमिट एक्स टेंस टू टू माइनस, यहाँ पे क्या आएगा मॉड ऑफ एक्स की माइनस एक्स माइनस टू आ जाएगा, नहीं आएगा, क्योंकि दो से छोटे के लिए माइनस है, कट के क्या आएगा माइनस में। यहाँ पर टू प्लस में यानी दो से बड़ा है, और दो से बड़े के लिए क्या लिखा गया, तो एक्स माइनस टू मॉड हो जाएगा, मॉड की जगह क्या हो जाएगा एक्स माइनस टू, ये कट के कितना आ गया वन। तो एल एच ला एच एड डिफरेंस आई, एच का सहारा नहीं लिया। तो ज़रूरी नहीं है कि एच को आप लें, बिना लिया अगर आप बार बार, तो एक हमने हिंट आपको दिए एज ए ट्रिक्स या कुछ और तरीका, आप उसको अप्लाई करें, बहुत ही अच्छा फील करेंगे जब आप कैलकुलस आने लगेगी। कैलकुलस स्ट्रांग बनाए, ये कैलकुलस धीमे 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 एक्सटेंड हो रही है और इम्पोर्टेंस का बढ़ रहा है। और कोई भी अगर आपको दिक्कत हो, कोई तकलीफ हो, मैं कभी नहीं बोलता हूँ कि आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, केवल और केवल मेरा हमारा उद्देश्य है कि आप जो भी एक दो लोग पढ़ रहे हैं इत्मीनान से पढ़ते रहिए और आप अपनी बात रखिए। मैं कंसीडर करूँगा, रिप्लाई आता या नहीं आता, बट मैं आपकी बात को ध्यान दे रहे हैं और उसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है।